साहब के साथ किए हैं, लेकिन ये जो सीरत कोर्स है इसकी एक एक बड़ी पर्सनल सी एक रीज़न ये बताना चाहूँ कि मेरे ना बहुत मुश्किल दौर था वक्त निकालना, लेकिन मैंने जब से ये नियत की हुई है तो अल्लाह पाक ने ऐसी आसानी फरमाई कि वो मैं इतनी वो क्या कहते हैं आसानी से ये वक्त मेरे लिए निकल रहा है कि मैं खुद परेशान हूँ कि भाई ये कैसे है कि वो अल्लाह पाक ने मेरे सबाब बनाए। और दूसरी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मोहब्बत जो सी है वो भी इसमें डेफिनेट चीज़ शामिल ही है। और जो मेजर एक चीज़ है कि इस सीरत कोर्स से हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे ये फ़ायदा ये हो रहा है कि ये जो बातें हम लोग मुफ्ती साहब से सुन रहे हैं ना, ये हमारे घर में भी इम्प्लीमेंट हो रही है। हम लोग घर जाके इस चीज़ का डिस्कस करते हैं तो उनसे ना उनका वो ना इश्तियाक बढ़ता है, वो पूछते हैं वे आज क्या सबक में पढ़ा है। तो ये एक मेरा ख्याल है हमारे लिए एक बड़ा मेजर वो एक चीज़ है कि भाई इस चीज़ हमें भी फ़ायदा हो रहा है और हमारे घर वालों को भी फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि बताते हैं कि पूरी नस्ल इससे पूरी की पूरी जो सी ना वो तैयार हो रही है। और इंशाल्लाह ताला मेरी इसमें एक बड़ा एक कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को लेके मैं भी आगे चलूँ, ताकि जैसे मुफ्ती साहब की भी बड़ी मेहनत है हमारे साथ, और ये बेसिकली मेहनत हमारे दिलों के ऊपर भी है, हमारे जहनों के ऊपर भी है कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें और आगे तक पहुँचाएँ। क्योंकि ये एक चीज़ महदूद अपना जो वो क्या कहते हैं कि एक हमारे उस तक महदूद ना रह जाए, इस हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँचाएँ। और इंशाल्लाह ताला मेरा इस सिलसिले में काफ़ी इसका इरादा भी है, चला कोशिश भी है कि मैं खुद भी इस सिलसिले को लेके चलूँ, और जहाँ जहाँ मैं अपने अलका अहबाब में बैठता हूँ तो मैं उनके साथ इस चीज़ को शेयर भी करूँ। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो सी है जैसे हमारे ऊपर रहता है कि फ़र्ज़ भी है, तो इंशाल्लाह ताला मैं इसकी कोशिश करूँगा। ये हमें एक मेजर फ़ायदा जो सब यही हो रहा है कि ये चीज़ें सुन सुन के हम आगे पहुँचाने वाले भी बन गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है अल्लाह पाक मेरी इसमें मुझे भी इसमें तो इस्तेकामत अता फरमाए कि मैं इस काम को लेके आगे चलूँ, और इंशाल्लाह ये अल्लाह पाक मुफ्ती साहब को भी सेहत नामुसी अता फरमाए। जैसे ये हमारे लिए मेहनत करते हैं ना, तो मेरा ख्याल है ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि हम इस चीज़ को हमारे अंदर शौक़ पैदा हो गया, लगन पैदा हो गई है कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके आगे जितने दूसरे तक भी पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।